रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इंटीग्रल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4 करना है और हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। और चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, तो अपना चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें इक्वेशन यू ऑफ एक्स जो था अननोन फंक्शन, वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों में जो था इंटीग्रल साइन में अपीयर हो जाता था। ठीक है, तो इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की, वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो है वो हमारे क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। और इसको हमने इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए लीबनिट्ज़ रूल का यूज़ किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास लैम्डा जो है, यहाँ पर ये लैम्डा जो है वो आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर है। और के एक्स टी जो है, इसको हमें पता है कि ये हमारा कर्नल है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन फंक्शन है, हमारे पास टू वेरिएबल्स एक्स और टी का, और उसको हम क्या कहते हैं, ये कर्नल या फिर न्यूक्लियस है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का। तो अननोन फंक्शन जो है हमारे पास, वो डिटरमाइन उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इनसाइड और इनसाइड द इंटीग्रल जो है वो अपीयर होता है, और बाद टाइम आपके पास बोथ साइड में होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों में आपके पास अपीयर हो रहा होता है आपके इंटीग्रल इक्वेशन में। बहुत से केसेस में यही बात कि इनसाइड एंड आउटसाइड आपके पास जो है ये अननोन फंक्शन अपीयर हो जाता है। तो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स और कर्नल फंक्शन है आपका, वो गिवन होते हैं। ठीक है, और आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है, ये भी जो है बोथ वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट भी हो सकती हैं, या फिर मिक्स्ड भी हो सकती हैं। तो आपने इस लेक्चर में यही डिस्कस करना है कि अगर वेरिएबल्स हों तो हम उनको क्या नाम देते हैं, अगर कॉन्स्टेंट हो तो उनको हम क्या नाम देते हैं, और अगर मिक्स्ड हो तो उनको हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट वेज जो हैं आपके पास इनको आपकी फॉर्म बनाने के, वो आपके पास हैं। अगर तो लिमिट्स इंटीग्रेशन की आपकी फ़िक्स्ड है, मतलब कि कोई ना कोई कांस्टेंट है आपके पास, तो वो इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसको हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर तो इक्वेशन आपके पास ये इंटीग्रल इक्वेशन है, और उसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन की आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड है, मतलब कि वेरिएबल की बात नहीं हो रही, फिक्स्ड है मतलब चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, या फिर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, कोई ना कोई आपके पास कांस्टेंट है, तो तब आपके पास वो इक्वेशन जो होगी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होगी। और अगर आपके पास एटलीस्ट 1 लिमिट जो है आपके पास, मतलब कि 2 आपके पास लिमिट्स होती हैं अपर और लोअर, अगर दोनों में से कोई एक आपके पास जो है वो वेरिएबल आ जाती है, तो वो आपके पास क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन की लिमिट्स, तो तब आपके पास फ्रेडहोल्म है। और अगर आपके पास जो है एक, कोई ना कोई, एट लीस्ट का वर्ड है, मींस के दोनों भी हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक भी हो सकती है आपके पास, ठीक है, वो वेरिएबल आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है और अपर लिमिट आपके पास एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो उसको हमने इंटीग्रल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का नाम देना, उस इंटीग्रल इक्वेशन को। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे आपने क्वेश्चन में बस यही डिटरमाइन करना है। आगे आपके पास इनकी भी काइंड आ जाती हैं, फ्रेडहोल्म की भी और वोल्टेरा की भी। ये बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आ जाए। पहली काइंड है कि अगर आपके पास जो है अननोन वेरिएबल फंक्शन जो यू ऑफ एक्स है, ये सिर्फ आपके पास इंटीग्रल साइन के अंदर लाए करे, तो आपकी फ्रेडहोल्म या वोल्टेरा दोनों में से, ठीक है, वो उसकी फर्स्ट काइंड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कहती हूँ कि यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, सिर्फ अंदर ही है ये यू ऑफ टी। ठीक है, सिर्फ आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके पास सिर्फ इतनी चीज़ है, ठीक है, तो ये फर्स्ट काइंड है फ्रेडहोल्म की, और अगर इतनी चीज़ है तो ये फर्स्ट काइंड है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की। ठीक है, लिमिट्स का फ़र्क रखना है तो उनके नाम का फ़र्क आएगा। ठीक है, और अगर साथ में ये भी आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि अननोन फंक्शन जो है वो इनसाइड में भी लाए कर रहा है और आउटसाइड भी इंटीग्रल के इक्वेशन में आ रहा है, तो फिर आपके पास ये जो है आपके पास सेकंड काइंड हो जाएगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास फ्रेडहोल्म की सेकंड काइंड है, और ये आपके पास वोल्टेरा की सेकंड काइंड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है वही कि यू ऑफ एक्स जो है अपीयर कर रहा है इनसाइड भी आउटसाइड भी, तो आपके पास फ्रेडहोल्म और वोल्टेरा की सेकंड काइंड आ जाएगी। तो इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। आगे है आपके पास कि अगर आपका जो है एफ ऑफ एक्स आइडेंटिकली ज़ीरो हो, तो रिजल्टिंग इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से हो जाती है, और इसको हम होमोजीनियस फ्रेडहोल्म और होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं।
ठीक है। ये होमोजीनियस किस केस में आया है, जब आपके पास आपका फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स वो ज़ीरो है, ठीक है। मतलब कि आपको पता है वैसे भी कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं, और अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो उसको हम इनहोमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो जिस केस में आपके पास ये एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा तो आप कहेंगे ये होमोजीनियस वोल्टेरा या फिर होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास के फ्रेडहोल्म इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आती है, जिस फॉर्म में आपके पास ये होगा, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपका ये जो होगा डेरिवेटिव को शो कर रहा होगा, तो उसमें इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लव्स यूज़ कर लेना। तो नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन फ्रेडहोल्म, आगे हमने पढ़ लिया कि इस फ्रेडहोल्म की जो है कॉन्स्टेंट, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, तो उसको हम फ्रेडहोल्म कहते हैं। और अगर आपके पास यू ऑफ टी सिर्फ इंटीग्रल के अंदर ही लाए करे तो आपकी फर्स्ट काइंड है, और अगर अंदर भी लाए करे बाहर भी लाए करे तो आपकी सेकेंड काइंड है। ये आपकी फर्स्ट काइंड है और ये आपके पास सेकेंड काइंड है, ठीक है। तो आगे है इसकी कुछ एग्जांपल दे दी है उन्होंने, ये आपके पास इसकी ये देखें कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो ये आपके पास फ्रेडहोल्म है और ये आपके पास फर्स्ट काइंड का है क्योंकि आपके पास सिर्फ यू ऑफ टी है, ठीक है। और ये आपके पास सेकंड काइंड का है क्योंकि आपके पास अंदर भी है और बाहर भी एक फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड अननोन वेरिएबल्स आ गए आपके पास, तो ये आपके पास सेकेंड काइंड की है। तो आगे है वोल्टेरा, वोल्टेरा में आपको पता है कि इसके इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो एटलीस्ट जो एक होगी वो आपके पास क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। तो अब ये देखें तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट और यहाँ पर ये वेरिएबल है, मीन्स कि ये हमारे पास वोल्टेरा है और ये वोल्टेरा फर्स्ट काइंड है क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल के अंदर ए जो है अननोन फंक्शन वो लाए कर है, और जब आपके पास दोनों बाहर भी आ जाएगा और अंदर भी तो आपके पास ये सेकेंड काइंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके ये एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट काइंड की है और ये आपके पास, ये भी फर्स्ट काइंड की है और ये आपके पास सेकंड काइंड की है क्योंकि वन और ये अंदर भी आपके पास बाहर भी फंक्शन है और अंदर भी अननोन फंक्शन है आपके पास, और बाहर इधर भी और इधर भी, ये दोनों सेकंड काइंड की है और ये दोनों आपके पास फर्स्ट काइंड की हैं, ठीक है। आगे वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, दोनों मिक्स्ड कब आती हैं आपके पास, जब आपके पास दोनों जो हैं आपके पास अपीयर कर जाए इंटीग्रेशन लिमिट्स, ठीक है। ये देखें तो ये डिसजॉइंट लिमिट्स हैं, डिसजॉइंट मींस के दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपके पास क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ये देखें तो यहाँ पर इसकी लिमिट्स जो हैं एक कांस्टेंट और एक की लिमिट के आपके पास वेरिएबल है, और यहाँ पर दोनों लिमिट्स आपकी जो है वो कांस्टेंट है, मींस के ये कभी भी आपके पास जॉइंट इंटीग्रल नहीं बनेगा, ये डिसजॉइंट इंटीग्रल ही रहेगा। तो जब आपके पास दोनों आ जाएँ तो वो आपके पास इंटीग्रल वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। दोनों नाम आपके साथ ही आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ से ये क्या बन रही है, हमारे पास वोल्टेरा बन रही है, और यहाँ से इस इंटीग्रल से हमारे पास फ्रेडहोल्म बन रही है, तो दोनों को दोनों की एडिशन हो रही है, तो मींस कि ये आपके पास वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। और यहाँ पर जब आपके पास यू जो है वो वेरिएबल फंक्शन हो जाए एक्स और टी का, तो आपके पास इधर फंक्शन के साथ भी एक्स टी आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी लिमिट जो है ज़ीरो टू टी, और यहाँ पर ओमेगा आएगा, ठीक है, एक्स टी, और यहाँ पर एप्साइलन टॉय, और यू जो होगा वो आपका जो है एप्साइलन और टॉ का फंक्शन होगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एप्साइलन और टॉ होगी, और एक्स टी जो है वो बिलोंग करेगा आपका ओमेगा मल्टीप्लाई ज़ीरो टी इंटरवल, इंटरवल आपका जो होगा वो ओमेगा मल्टीप्लाई ज़ीरो टी होगा, ठीक है। तो आपके पास एफ एक्स टी और ये जो है ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, और किसके ऊपर है ये एनालिटिक, आपके पास डी के ऊपर, और डी की जो है वो आपकी डोमेन है, ठीक है, जो कि आपके पास ओमेगा मल्टीप्लाई ज़ीरो टी क्लोज इंटीग्रल है, और ओमेगा जो होगा वो क्लोज सबसेट है आपका रियल नंबर्स की पार एन है, एन जो है वन टू थ्री, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये डिसजॉइंट वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस आ गई, और जिनको हम मिक्स्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जी यू ऑफ एक्स इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर देखें ये तो वोल्टेरा, ठीक है, वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी आपके पास वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन आ गई। आगे आ जाती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होते हैं। सिंगुलर अगर आपके पास जो है इन दोनों की लिमिट्स में से कोई एक लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जी ऑफ एक्स की जगह इन्फिनिटी आ जाए या फिर एच ऑफ एक्स की जगह इन्फिनिटी आ जाए, तो आपके पास ये जो इक्वेशन होगी ये सिंगुलर होगी, ठीक है। या फिर अगर इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है ये आपके पास इन्फिनिटी नहीं है, तो फिर आपके पास यहाँ जो भी फंक्शन है वो आपका अगर
इस समय आपके पास ये इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो भी आपके पास लिमिट्स होंगे उनके ऊपर, या इंटरवल जो आपका कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है ये इंटरवल बनाती हैं, उस इंटरवल पर किसी पॉइंट पर, किसी एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर आपके पास ये फंक्शन अगर इनफाइनाइट अनबाउंडेड हो जाए तो तब भी आप इसको क्या कहते हैं कि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आपके पास जो है नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, तो अगर हम यहाँ पर ये t की जगह पर x पुट करें तो x माइनस x ज़ीरो हो जाएगा और ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो अनबाउंडेड हो गया मीन्स कि आपके पास ये सिंगुलर है और ये फर्स्ट काइंड की सिंगुलैरिटी होगी आपके पास। ठीक है, आपके पास ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड की, और ये आपके पास सिंगुलर भी है। ठीक है, और अगर हम अल्फ़ा की जगह यहाँ पर 1/2 कर दें तो ये एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी, और अगर अल्फ़ा की जगह 1/2 की जगह कोई और नंबर आ जाता है, कोई और पावर आ जाती है अल्फ़ा की, तो वो आपके पास जनरलाइज्ड इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, एबल्स जनरलाइज्ड इंटीग्रल इक्वेशन, और ये आपके पास सेकेंड काइंड की है सिंगुलैरिटी। ठीक है, और अल्फ़ा की जगह अगर 1/2 है तो आपके पास वो एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर 1/2 की जगह कोई और है तो फिर वो आपके पास जनरलाइज्ड एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ये देखें, तो यहाँ पर आपके पास ये एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि ये आपके पास 1/2x माइनस टी की पावर स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो ये एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास, और यहाँ पर x माइनस टी की पावर 1/3 है, तो ये आपके पास जनरलाइज्ड एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन है। और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये वीकली सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, वीकली सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है आपके पास, मिक्सड आ गया, आपके पास बाहर भी है और अंदर भी फंक्शन है। ठीक है, और इसकी पावर जो है वो 1/3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपने सिर्फ इतना क्लासिफाई करना है कि कौन सी फ्रेडहोल्म में वोल्टेरा है और कौन सी वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, और फिर उनके काइंड भी बतानी है, और फिर आपने बताना है कि ये इक्वेशन जो है वो सिंगुलर है कि नहीं है। तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें यू ऑफ एक्स इक्वल है 1+0 to x इंटीग्रल लिमिट्स यू ऑफ टी डी टी। तो ध्यान से देखें, तो हमारे पास है कि अगर जो है इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं, अगर कोई एक आपके पास जो है वो वेरिएबल आ जाए तो वो आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है, और अगर दोनों कॉन्स्टेंट आए तो वो आपके पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसका बताना है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बिकॉज वन ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरिएबल और नॉट कॉन्स्टेंट। या तो आप कहेंगे कि इसकी जो है एक इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उसमें से कोई एक जो है वो वेरिएबल है, या फिर वो जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं है मीन्स के वेरिएबल है, दोनों में से कोई एक बात आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर आपने इसकी काइंड बतानी है, ये जो है वो आपके पास सेकंड काइंड की है बिकॉज आपके पास अननोन फंक्शन जो है वो इनसाइड इंटीग्रल भी है और आउटसाइड इंटीग्रल भी है। ठीक है, और ये आपके पास इनहोमोजीनियस है क्योंकि आपके पास यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 0 होता तो फिर हमारे पास वो होमोजीनियस होनी थी, और ये आपके पास सिंगुलर भी नहीं है क्योंकि ना तो इसकी लिमिट्स में से कोई एक इन्फिनिटी है और ना ही आपके पास जो इंटीग्रेंड है वो आपके पास, ना तो वो ही आपके पास अनबाउंडेड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, सिर्फ आपने इतना ही बताना है इसमें। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, तो आपके पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो एक जो है वो वेरिएबल है मीन्स कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये आपके पास बिकॉज वन ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, और ये आपके पास फर्स्ट काइंड की है क्योंकि आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो अननोन वेरिएबल जो है वो लाइकर है। ठीक है, और ये आपके पास इनहोमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जीरो नहीं है, और ये आपके पास इनहोमोजीनियस है क्योंकि आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है, आपने रीज़न इसकी दे देनी है, और फिर आपके पास ये सिंगुलर जो है ये नहीं है क्योंकि आपके पास ना तो इसके इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी है और ना ही आपका जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड मींस के इंटीग्रेशन के अंदर जो आपके पास फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं, इंटीग्रेंड भी आपका जो है वो अनबाउंडेड नहीं हो रहा इंटीग्रेशन के इंटरवल में।
तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो है ये आपके पास, ये जो है देखें तो इसके इंटीग्रेशन लिमिट्स जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट है दोनों ही, तो ये आपके पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी और ये आपके पास सेकंड काइंड की होगी क्योंकि आपके पास अननोन फंक्शन जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर भी है और आउटसाइड भी है, और ये आपके पास इनहोमोजीनियस है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन मौजूद है, ज़ीरो नहीं है, और ये आपके पास सिंगुलर भी नहीं है क्योंकि इसके इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, और आपका इंटीग्रेंड भी जो है वो अनबाउंडेड इंटीग्रेशन लिमिट्स के ऊपर नहीं हो रहा। तो आपने सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कांस्टेंट है तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, और आपके पास ये सेकंड काइंड की, और ये आपके पास इनहोमोजीनियस भी है, और आपके पास नॉट सिंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास जो है वो वोल्टेरा सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये आपके पास जो है इनहोमोजीनियस भी है, और आपके पास नॉट सिंगुलर भी है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो है ये वोल्टेरा फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है, इनहोमोजीनियस है, और आपके पास नॉट सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम वही रीजंस है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो आपके पास यहाँ पर देखें आपके पास ये वोल्टेरा की थी और ये आपके पास फ्रेडहोल्म की थी, और दोनों एक साथ आ गई हैं, तो मींस कि आपके पास ये वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी, और यू ऑफ टी इनसाइड में भी है और आउटसाइड में भी है आपके पास अननोन फंक्शन, तो आपके पास ये सेकंड काइंड की होगी, ठीक है, और ये आपके पास इनहोमोजीनियस फंक्शन होगी बिकॉज ऑफ 3/2x प्लस एक्स क्यूब बाई 6, और आपके पास ये नॉट सिंगुलर होगी क्योंकि ना तो इनके इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो इनफाइनाइट है और ना ही आपका इंटीग्रेंड जो है वो अनबाउंडेड हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर आपके पास यू ऑफ टी होना लाजमी होता है। हर इंटीग्रल इक्वेशन में आपके पास यू ऑफ टी अननोन फंक्शन जो है वो अंदर लाजमी मौजूद होता है, तो यहाँ पर आपके पास यू ऑफ एप्साइलन और टी टॉ का आपके पास फंक्शन जा रहा था, तो एप्साइलन और टॉ लाजमी आना चाहिए था टॉ माइनस एप्साइलन के साथ, तो वो आपने साथ में मेंशन कर देना है कि यहाँ पर ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी अगर आपके पास यहाँ पर टॉ माइनस एप्साइलन के साथ यू ऑफ एप्साइलन और टॉ आएगा, और ये आपके पास आपको पता है वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, और यहाँ पर आपके पास ये सेकंड काइंड की है, ठीक है, और ये इनहोमोजीनियस भी है और नॉट सिंगुलर भी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास जो है, अब आप ये क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखें। एक तो ये आपके पास इसकी लिमिट्स आप चेक करें तो आपको बताएंगे कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और ये इनहोमोजीनियस है, और लेकिन ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों बनी? क्योंकि टी की जगह पर अगर हम एक्स पुट कर दें तो ये अनबाउंडेड फंक्शन हो जाता है आपके पास टी इक्वल्स टू एक्स पे, तो जो कि आपके पास आपके इंटीग्रेशन इंटरवल के अंदर ही लाई कर रहा था ये पॉइंट, ठीक है, तो ये अनबाउंडेड हो जाता है, तो ये आपके पास जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, और आपके पास ये जो है इसको हम जनरलाइजेबल इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे क्योंकि आपके पास एक्स माइनस टी की जो पावर है वो आपके पास 1/2 नहीं है, 1/2 के अलावा कोई ना कोई एक्सपोनेंट है वो 5/6 है, ठीक है, तो ये आपके पास जनरलाइज्ड होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और जो कि आपके पास लास्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास कि यू ऑफ एक्स इक्वल है 1+x² प्लस 0 टू एक्स इंटीग्रल लिमिट्स हैं, और आपके पास ये अब देखें तो इसकी x माइनस टी की पावर 1/2 है, ये एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और ये आपके पास वोल्टेरा है, और वोल्टेरा की कौन सी काइंड है? यू ऑफ टी इनसाइड भी आउटसाइड भी है, सेकंड काइंड है, और ये आपके पास सिंगुलर है क्योंकि आप जब टी की जगह पर x पुट करेंगे तो फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं क्योंकि x माइनस टी की जो एक्सपोनेंट है डिनोमिनेटर में उसकी पावर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट वो है 1/2। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इजी लेक्चर था आज का हमारा, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि आज हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वो कौन सी थी। वोल्टेरा आपके पास कब होती है? जब आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है, ठीक है, वो इक्वल हो, कोई भी यहाँ पर फंक्शन आ सकता है, और उसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है वो कोई ना कोई एक दोनों में से कोई एक जो है वो वेरिएबल हो, और आपके पास ये जो है फिर ये
वोल्टेरा इक्वेशन हो जाएगी, और साथ में आपने ये यू ऑफ टी लाजमी मेंशन करना है, ये आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके इंटीग्रल इक्वेशन ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेरा है, और अगर यहाँ पर मैं कोई ना कोई कांस्टेंट कर दूँ तो वो आपके पास फ्रेडहोल्म बन जाएगी, ठीक है। फ्रेडहोल्म कौन सी आपके पास होती है, जिसमें आपके पास दोनों कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ये बी, दोनों ए और बी कांस्टेंट हैं, और यहाँ पर आपका फंक्शन है, यहाँ पर आपका अननोन फंक्शन है यू ऑफ टी, और यहाँ पर ये डी टी, तो ये आपके पास फ्रेडहोल्म है। और अगर यू ऑफ टी जो है वो दोनों के इनसाइड इंटीग्रेशन भी आए आउटसाइड भी आए तो वो आपके पास सेकेंड काइंड है, अदरवाइज वो फर्स्ट काइंड है। इसी तरीके से वोल्टेरा के भी अगर इनसाइड में भी यू ऑफ टी है और आउटसाइड में भी है तो वो सेकंड काइंड की, अगर सिर्फ इनसाइड में है तो वो होगी फर्स्ट काइंड की, ठीक है। और जब दोनों आपके पास एक ही इक्वेशन में ऐड अप या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो आपके पास वोल्टेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ईजी लेक्चर था। पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।